अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद भी कुछ नहीं बदला। ये वीडियो महाराष्ट्र के खुलापुर का है। हुजूम मस्जिद के छत पर चढ़े भगवा झंडा लगाया और उसे तबाह करना शुरू कर दिया। ये भारत की रियासत महाराष्ट्र खुलापुर की वाडियो है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क है। गुज़श्ता इतवार जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक दहशतगर्द हुजूम मस्जिद पर चढ़ गया, भगवा परचम लहराया और मस्जिद को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। मस्जिद के मीनारों पर हथौड़ों की बारिश हुई, मस्जिद में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया। ये ऑडियो 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमले और उसकी शहादत की याद ताज़ा कर रही है। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र में एक मनसूबाबंद तरीके से मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि उन सेकुलर पार्टियों के मुँह से एक लफ्ज निकला हो जो आइंदा असेंबली इंतखाबात में खुलकर मुसलमानों के ओर से जीतना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 6 दिसंबर जारी है, मिकनाज शंदे देव फंडवीस, आपकी हुकूमत में एक मस्जिद पर हुजूम ने हमला किया। ये कानून की हुक्मरानी पर हमला है, लेकिन आपकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। मजीद कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के जरिए जवाब देना चाहिए कि आपकी पार्टी MIM के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाते हुए आइंदा इंतखाबात में हुजूम और सियासी रहनुमाओं और पार्टियों को रोकने के लिए जो उन्हें सरपरस्ती और हिमायत देते हैं, और उन जमातों की खामोशी को याद रखे जो यह दावा कर रही है कि उन्होंने अखलाकी जीत हासिल की है। वही टेंट पोस्टिंग इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, ना कोई निजाम है और ना हिम्मत। ऑडियो में मौजूद तमाम लोगों को अदालत में घसीटा जा सकता था, उसके पीछे कौन है वो अलग कहानी है, लेकिन जो कर रहे हैं वो जेल में सड़ सकते हैं। उसकी वजह से उस तरह की सरगर्मी आहिस्ते आहिस्ते रुक सकती है। नाज़रीन, इस खबर के ताल्लुक से आपकी क्या राय, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।